और बात करते हैं सीहोर की, जहां नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में इच्छावर एवं नसरुल्लागंज जनपद में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है। इच्छावर जनपद में 79.11% एवं नसरुल्लागंज में जनपद में साथ ही नसरुल्लागंज जनपद में 79.85% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। दिव्यांग एवं वृद्ध जन भी मतदान के लिए खासे उत्साहित दिखे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दूसरे चरण में इच्छावर एवं नसरुल्लागंज जनपद में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया गया। मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान स्थल पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंची। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में इच्छावर जनपद की 77 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए 194 मतदान केंद्रों एवं नसरुल्लागंज में जनपद के 101 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान के लिए 260 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया। इच्छावर में 84,436 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 42,804 पुरुष एवं 41,632 महिलाओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। इसके साथ ही नसरुल्लागंज में 1,10,010 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 57,082 पुरुषों एवं 52,928 महिलाओं ने मतदान किया। एसपी कलेक्टर इस दौरान मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों पर आए हुए बुजुर्ग एवं युवा मतदाताओं से चर्चा भी की। उन्होंने ग्राम डोबरी, कोसमी, सिंहपुर, नादान, घोंगरा, हमीदगंज, पिपलानी सहित अनेक मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान मतदाता तथा मतगणना संपन्न कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई संपादित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपर कलेक्टर गुंचा सरोवर एवं जिला पंचायत सीईओ हर सिंह ने भी इच्छावर जनपद के अनेक मतदान केंद्रों पर चल रही मतदान की कार्यवाही का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिया। वहीं ग्राम पंचायत खजुरिया घेगी में 104 साल की रेशमबाई राजपूत ने मतदान किया। 104 वर्षीय रेशमबाई को सुबह जब पता चला कि आज पंचायत के चुनाव है, तो उन्होंने अपने नाती विजेंद्र सिंह से कहा कि वो भी वोट डालने जाएंगी। दादी को उत्साह को देखते हुए विजेंद्र ने मतदान केंद्र लाए और रेशमबाई ने मतदान किया। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। क्या क्या